यार कुछ खा लिया कर, देख कितनी पतली हो रही है। घर वाले कुछ खाने को नहीं देते। अरे यार तू तो कुछ खा लिया कर, कैसा दोस्त है यार, तेरे को कुछ नहीं लगता। कुछ खा भी लिया कर यार, जब देखो चरता भी रहता है लेकिन तेरा वजन नहीं बढ़ता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। जो मैंने कहा कि आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? भाई साहब इतना खाती हूँ, इतना खाती हूँ, जाता क्या है पता नहीं। सेम लड़कों की डेफिनेशन। अरे यार भाई बहुत खाता हूँ, इतना खाता हूँ समझ नहीं आता जाता क्या है। उतनी हड्डियां हैं, 6 फीट की हाइट है, 50 किलो वजन है, अब बंदा क्या करे। सब बोलते हैं भाई ऐसे लगता है कि डंडे के ऊपर ना कपड़े टंगा दिए। सुन सुन के बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगी है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा है। यार तू 22 साल की होगी, कॉलेज में आ रही है, देख तेरी ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं है, हिप्स की भी ग्रोथ नहीं है, पूरी बॉडी ऐसे फ्लैट लगती है, अब क्या करें। किसी ने कहीं दवाई बताई वहां ली, लेकिन उससे क्या हुआ, इतना मोटापा आना शुरू हो गया, मुंह इतना बड़ा हो गया, शरीर इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड से शरीर फूल गया। और कुछ टाइम के बाद भाई हमने छोड़ दिया, उसका इतना साइड इफेक्ट होने लगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप में से भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगी जो आपको अपनी डाइट में करनी है, रेगुलर रूटीन में। विद इन मंथ आप इजिली 3 to 4 kg वेट पुट ऑन कर सकते हैं, अप टू 5 kg, ठीक है, अगर आप इनको ऐड करते हो। और इसके साथ अगर आप वेट गेन की मेडिसिन स्टार्ट करते हो जो आपके मेटाबॉलिज्म पे वर्क करेगी, क्योंकि धातु क्षय है, सातों धातुओं का क्षय, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस नहीं बना तो रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, सारी धातुओं का क्षय है। तो कितना भी खाओगे, जैसे खाओगे वैसे शरीर से बाहर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी दिनचर्या की। आपके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, इस तरह से पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा स्ट्रेचिंग करना है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप गर्म पानी का गिलास पीजिए। आप सोचोगे पतले हो जाओगे, नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपने अपनी रूटीन ऐड करनी है साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर इतना अच्छा काम करती है हमारे वेट को पुट ऑन करने में, ठीक है, बल्य है, बल प्रदान करती है, बल्य है, तो वो धीरे धीरे करके आपके मांसपेशियों में पुष्टि करेगी, मांसपेशियों की पुष्टि करेगी, तो बल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज, चने, ई वाले चने। मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत लोगों को आ गया कौन से चने, आज मैंने खरीद के रख लिए कि मैं बता दूं कौन से चने। ये वाले जो चने आते हैं बिना छिलके के, ठीक है, इनको आपको लेना है एक कटोरी लेनी है, उसमें आधे इतने से चने डालने हैं। इसमें आपको खजूर डाल देनी है काट के, और उनका मिक्सचर बना के आपको डेली खाना है, वंस इन अ डे, एनी टाइम, कभी भी आप ले सकते हो। ये इतना अच्छा काम करेंगे, जो धातु क्षय है, सातों धातुओं की पुष्टि करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट है ना उस पर वर्क करेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे वो मूवमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। अग्नि जो है वो ऑलरेडी बहुत फास्ट है, ये तो बहुत मंद है, मंद बहुत कम लोगों में होती है, अदरवाइज जठर अग्नि बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो उसको बैलेंस करेगी। बैलेंस करेगी तो जो भी हम खाना खाएंगे वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में लगना शुरू हो जाएगा। ये है हमारी दूसरा मूल मंत्र। तीसरा मूल मंत्र ये है कि आपको उपासना की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज उसको शेयर भी किया करो, आप लोग तो बेनिफिट लेते हो लेकिन लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड रेमेडी की, कि तीसरी चीज आपको क्या करनी है। साबूदाने की खीर हो गई, ठीक है, चने और खजूर हो गए, और थर्ड चीज आती है आपको सोने से पहले शुआरे, ठीक है। शुआरे भी दो तरह से होते हैं, लाल और सफेद। सफेद इन द सेंस के जो ब्राउनिश फॉर्म में होते हैं, आपको लेने हैं लाल वाले शुआरे। 4 शुआरे लेने हैं, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लो, और दूध में आपको करना है अच्छे से बॉयल, 1 कप दूध लेना है गाय का। फिर उसके बाद वो जो मिक्सचर आपका रेडी हो गया उसमें आप चीनी ऐड करो, और उसको रात को सोने से पहले पियो। ये भी बल्य है, जो धातु क्षय हो रहा है उस पर काम करेगा, और धीरे धीरे करके आपको अपनी बॉडी में चीज दिखेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है नहीं यार बहुत थकान हो रही है, बॉडी पे ऐसे भी टच करोगे उनको लगेगा नहीं यार बहुत थकान है, बहुत पेन है, तो धीरे धीरे करके उस पेन को भी कम करेगा, लिथार्जी कंडीशन को ठीक करेगा, जिन लोगों में खून की कमी है खून की कमी को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे करके बॉडी को स्टेबल करना स्टार्ट कर देगा। तीनों चीजें आप सीक्वेंस से फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मील स्किप करना है। आप कुछ भी खा रहे हो आप खाओ, जस्ट 3 चीजों को ऐड करना है। आप जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो
उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, उसमें साबुदाने की खीर ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलर वे से जो है आप दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब स्नैक्स लेते हो तो आप खजूर और चने ले लो। सोने से पहले मिल्क मोस्टली लोग लेते हैं इंडिया में 90%, लेकिन अगर आप उन 10% लोगों में जो नहीं लेते तो आप 10% से आप 90 में शिफ्ट हो जाओ और उसको अपने मील में ऐड कर दो। सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सी अपनी दिनचर्या में चेंजेस लाने और बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप लोगों की ड्यूटी क्या है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे मुझे जरूर बताना कि कैसा रिजल्ट मिला। 15 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी को लगभग आपको 3 महीने तक फॉलो करना है। अब बात करते हैं बीमारियों को लेके, किन बीमारियों को जिनकी वजह से वेट पुट ऑन नहीं होता। बहुत सारी लड़कियों में ये इशू है जिनको वाइट डिस्चार्ज रहता है बहुत लंबे टाइम से, उनका वेट कभी पुट ऑन नहीं होता है। वो बताते नहीं है कि हमें वाइट डिस्चार्ज का इशू है, बट जब कंटिन्यूटी में बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कभी भी वजन बढ़ने नहीं देगा। आपकी कमर में दर्द, आपकी थाइज में दर्द, इरिटेशन, वीकनेस, ये बहुत सारे कॉमन ऐसे इशू हैं जो आप लोग फेस करते हो, तो वहां पे आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। आप हमारा ट्रीटमेंट लेके देखिए, मैं कह रही हूँ कि आपने जो इतने सालों से कराया है ना, उसे 10% टाइम में आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बॉयज में जो इशू होता है वो होता है नाइटफॉल का। कुछ में साइकोलॉजिकल होता है, कुछ में प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो इसमें आपको टेंशन ही लेनी यार कि कोई क्या सोचेगा, आपको प्रॉब्लम है ठीक हो जाओ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं 17-18 साल में, उनको ये इशू है, उन्हें भी नहीं समझ आता क्यों हो रहा है, ठीक है। वो मेडिसिन लेते हैं 1-1.5 महीना और वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वीकनेस इतनी आना शुरू हो जाती है, थाइज में पेन, लेग्स में पेन, लिथार्जिक कंडीशन, तो आपको इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ। तो इन सब की वजह से अगर वेट पुट ऑन नहीं हो रहा तो हम इस पे काम करेंगे, फिर वेट पे काम करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रेमेडी समझ आ गई हो और कॉजेज भी समझ आ गए हो। इस तरह से फॉलो करके अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। और यार हम लेके आए हैं हमारी YouTube फैमिली के लिए कि जिन भी पेशेंट्स ने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया उनके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, वो ये है कि अगर आप अपना फीडबैक हमें वीडियो फॉर्मेट में शेयर करते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, तो हम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव फेस वॉश आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी कॉस्ट 500 है। आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देने हैं। जब भी आप वहाँ से वीडियो बना के हमें शेयर करेंगे, उसे हम अपनी इंस्टा और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। जो लोग कंफर्टेबल है वो प्लीज शेयर जरूर करना। हम आपको जो है एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। कोई भी समस्या हो, बिल्कुल ठीक होना है, तो इस नंबर पर संपर्क करें। तान्या, अच्छा तान्या का मैं बता देती हूँ, तान्या का पीसीओडी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तान्या आप अपनी हिस्ट्री बता दो अब अपने आप। मेरी हिस्ट्री तो मतलब हिस्ट्री क्या, बहुत ही खराब अपना बॉडी मैंने कर रखी थी, और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगा है कि मतलब एक तो पेन में बहुत रिलीफ है, बॉडी में, आपकी डाइट में, सब चीज़ें बहुत रिलीफ है। इवन तान्या ने पीसीओडी के साथ वेट भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने रिड्यूस भी काफ़ी वेट किया है, मैं 91 किलोज पे आई थी, आज मेरा 84 वेट हो गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू तान्या, थैंक यू।